बात कर लेते हैं आफरीन जी से। आफरीन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी वालेकुम अस्सलाम मैम, हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आदाब, वाले सलाम, आपकी तबीयत ठीक है? सब बेहतर है, आप बताइए आफरीन जी। जी अच्छा सर, मैं आपसे परसों सवाल पूछा था, ये क्या बोलते हैं, जकड़न और उसके चक्कर में, कफ के चक्कर में। आपने किसी कॉलर को बताया जिनके निमोनिया था, उनको अलसी और शहद बताया था, तो हमें ये जानना था। हमने तो साल भर से ज्यादा करीब 14 महीने आपका सालाना पर नुस्खा लिया, उससे पहले मेरे कभी मतलब जकड़न और ये कफ वगैरह होते ही नहीं था। तो 14 महीने करने के बाद अब मेरे ये कफ बहुत निकल रहा है, तो इसकी क्या वजह? जितना कफ निकलता है ये 8 महीने से ऊपर हो गया, 8-9 महीने से कफ बहुत रहता है, तो कफ डेली निकलता इतना है कि उसकी वजह से, और जकड़न बहुत जल्दी जल्दी, जकड़न ऐसी हो जाती मेरे कि बिल्कुल जैसे सांस नहीं ले पाते हैं, इतनी ज्यादा जल्दी। और जबकि एलोपैथिक दवा करते हैं कुछ ना आराम मिलता है, फिर वही दिक्कत हो जाती है, कोई चीज ठंडी हम नहीं खा सकते हैं। तो आपने सब ये अलसी और शहद और सोड बताई थी, तो सोड और अलसी मतलब किस किस मात्रा में लेनी, जैसे एक चम्मच अलसी हो जाती है तो सोड कितना लेना, या दोनों को बराबर लेना, कैसे लेना कि जो मेरी ये दिक्कत ठीक हो जाए, या हमें साबितनुना वाला नुस्खा फिर से लेना पड़ेगा, क्या है क्यों, मतलब मेरी ये चीज ठीक नहीं हो रही है। और हम नमक देते हैं, सोडा भी बीपी के लिए लेते हैं, तो अब आप ये बताइए सही से हमें करना क्या। और मैम मेरा दूसरा सवाल ये है, लिख लीजिए, जैसे अलसी और अखरोट में दोनों में ओमेगा 3 होता है, तो दोनों को साथ में ले सकते हैं या कुछ कुछ घंटे की दूरी पे लेना है, या ठीक है। कितने घंटे की दूरी पे लेना। और मैं मेरा तीसरा सवाल ये हकीम साहब, अदरक नींबू लहसुन का और जैतून के सिरके का जो नुस्खा बताते हैं, तो उसके साथ जैसे ये क्या बोलते हैं, सोड और अलसी और शहद वाला नुस्खा, ये लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? बस मेरे ये 3 सवाल है। ठीक है मैम ठीक, जी। हाँ, ये नुस्खा के बारे में जो आपने पूछा, सौंठ और अलसी का नुस्खा ज़रूर ले सकते हैं, उसके साथ जो आप एक शरबत बनाती हैं अदरक लहसुन नींबू और जैतून के सिरके का, उसके साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बड़ा अजीब सी बात है कि इतना वक्त आपने ये सपिस्तान, उन्नाव, अलसी का नुस्खा इस्तेमाल किया, फिर भी आपकी ये कफ उतना ही बन रहा है, ये फिक्र की बात है। गर्म पानी का सेवन किया करें, और ये जो नुस्खा है सपिस्तान उन्नाव अलसी वाला, ये दोबारा से शुरू करें, और इसको बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं और दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं। इसके कुछ नुकसान नहीं होते, बल्कि जिस्म को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। जी अलसी और अखरोट, इनका कहना है ओमेगा 3 होता है तो साथ में ले सकते हैं। हाँ, ज़रूरी है तो ले सकते हैं। अलसी और अखरोट में ओमेगा 3 वाकई काफ़ी मात्रा में होता है, और इसके इस्तेमाल से वज़न नहीं बढ़ता और पेट भी खूब अच्छा रहता है, पेट साफ़ रहता है अखरोट खाने से। अगर मेरी बात करें तो मैं आज भी अखरोट खाकर आया हूँ।